दूसरा प्रश्न, चलिए इसके विकल्प देखें, देखते हैं कि सही उत्तर कौन सा विकल्प है। सही उत्तर है बी विकल्प। यहां हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि ट्रायंगल एबीसी का कौन सा भाग ट्रायंगल डीईएफ के किस भाग के साथ संगत है। हम देख सकते हैं कि चित्र में दोनों त्रिभुजों के समान भाग दिए गए हैं। हमें केवल यह जांचने की आवश्यकता है कि ट्रायंगल एबीसी का कौन सा कोण ट्रायंगल डीईएफ के कौन से कोण के बराबर है। चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है एंगल ए बराबर है एंगल ई के, एंगल बी बराबर है एंगल डी के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्राइंगल ई डी एफ के। सर्वांगसमता लिखने का यही सही तरीका है, ट्राइंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्राइंगल ई डी एफ के।